Today we will discuss our next topic, that is making poster or drawing posters. As you know, in our earlier classes we have already discussed about three topics. First was advertisement, second was third one was invitations and reply. Now we are going to study about making posters or drawing posters. So students, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है हमारा ये फोर्थ टॉपिक इंग्लिश का, पोस्टर बनाना, ड्राइंग पोस्टर कह सकते हो या मेकिंग पोस्टर। फॉर एग्जाम के अंदर जब नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आते हैं, लाइक एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, ड्रॉ पोस्टर ऑन, और यहां पर टॉपिक का नाम दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिख रहा हूं सी वॉटर, ड्रॉ ए पोस्टर ऑन सी वॉटर। इस तरीके से भी हो सकता है, ड्रॉ पोस्टर एनकरेजिंग द पीपल अबाउट सेविंग वॉटर, इट मीन्स लोगों को जागरूक करते हुए आपको एक पोस्टर का निर्माण करना है। पर जिस तरीके से हमने एडवर्टिजमेंट पढ़ा, नोटिस पढ़ा, इन्विटेशन एंड रिप्लाई पढ़ा, ये क्लास में हमारी रहेगी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रॉ पोस्टर्स, कि ये चीज क्या है, क्यों बनाई जाती है, बेसिक चीजें कौन कौन सी होंगी, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों देखिए, पोस्टर्स होते क्या हैं? आपने पोस्टर का नॉर्मली नाम तो नहीं सुना होगा, मगर सुना भी होगा तो इस जगह सुना होगा कि जैसे हम कहते हैं ना फिल्मों के पोस्टर, जो सिनेमा हॉल मूवी थिएटर्स के बाहर लगे होते हैं, आपने देखा होगा कि पोस्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी भी एक फिल्म के पोस्टर के ऊपर, नॉर्मली स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल हो सकता है, आयत, स्क्वायर, किसी भी प्रकार का हो सकता है पोस्टर, नो प्रॉब्लम, राउंड सर्किल भी हो सकता है, मगर हमें यहाँ पर हमें बॉक्स की तरह ही बनाना है, एडवर्टिजमेंट बॉक्स, नोटिस पे बॉक्स, इनविटेशन एंड रिप्लाई में रिप्लाई पर बॉक्स। ना पोस्टर भी अगेन बॉक्स में ही आ रहा है। पोस्टर में होता क्या है, आपने फिल्मों के पोस्टर देखे होंगे, वहां क्या क्या होता है आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर फिल्मों के पोस्टर में हीरोज की फोटोज होती है, ये मान लेते हैं एक बार के लिए हम कोई हीरो है, और क्या क्या होता है उसके अंदर। उसके अंदर आपने देखा होगा वहां पर डायरेक्टर्स के नाम लिखे होते हैं, म्यूजिक कंपोजर के नाम लिखे होते हैं, हीरो हीरोइंस के नाम लिखे हुए होते हैं, और कोई ना कोई सीन यहाँ पर दिया होता है, और एक बढ़िया से डिजाइन के अंदर उस मूवी का नेम दिया हुआ होता है। इज इट राइट और नॉट? आपने देखा होगा लगभग कई बार मूवी में ऊपर आ जाता है फिल्मों का सीन, नहीं बीच में आ जाता है और नीचे की तरफ, तो ये चीजें मिक्सअप ऊपर नीचे चलती रहती है। सिमिलरली यहाँ पहले ये बताइए कि ये मूवी थिएटर के बाहर जो पोस्टर्स लगे होते हैं क्यों होते हैं, लोगों को उस बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि इस फिल्म में इस तरह की सीन या फाइट दिखाई गई, इस मूवी के अंदर इन लोगों ने काम किया है और इस मूवी का नाम ये है। एक प्रकार से कहें तो एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट, प्रचार ही तो हुआ, विज्ञापन ही तो हुआ उस फिल्म का। सिमिलरली हम भी पोस्टर्स बना रहे हैं, बट आवर मोटिव विल नॉट बी ऑफ एडवर्टाइजिंग, इट मींस हमारा जो मोटिव होगा, हमारा जो उद्देश्य होगा, हमारा जो मुख्य बात होगी वो किसी भी इस बात को प्रचार करना नहीं होगी, हमारा उद्देश्य कुछ अलग होगा। यहां पर मैं आपको लिखता हूं, ध्यान दें, मेन एम क्या होता है हमारा इन पोस्टर्स को बनाने के पीछे, जो एम है, जो लक्ष्य है, वो ये होता है कि हम लोगों को किसी न किसी बात के लिए क्या करें, एनकरेज करें। कोई भी अच्छा इशू हो सकता है, एनकरेज का हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रोत्साहित करना। तो मेनली देखा जाए तो प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य होता है, और टू इंस्पायर फॉर समथिंग, इंस्पायर का अर्थ प्रेरित करना। मान लीजिए कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कोई भी जैसे पौधे लगाना, पानी वानी की सेविंग करना, तो आप उन्हें और एनकरेज कर रहे हो कि वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग दैट, यस बी कंटिन्यू, इस तरह की बातों से हम उसको क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वेरी गुड, आप अच्छा काम कर रहे हो और इसी तरह से काम करते रहिए। ये हुआ हमारा एनकरेज करना। इंस्पायर करना क्या हुआ, हमें लग रहा है कि लोग उस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लाइक हम कह सकते हैं कि कुछ समय पहले की बात करें तो फीमेल फर्टिसाइड, जिसे हिंदी में कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या, बहुत ज्यादा हो रहे थे, हालांकि समय के साथ
जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं वैसे वैसे लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव सोच थिंकिंग देखने को मिली है और लोग अपने आप इंस्पायर हो रहे हैं टू सेव गर्ल चाइल्ड। इट मींस उस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। सो द मेन एम ऑफ मेकिंग पोस्टर इज टू एनकरेज और टू इंस्पायर द पीपल अबाउट समथिंग, लोगों को किसी चीज के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करना। आई थिंक मेन एम आपको पता चल चुका है पोस्टर्स बनाने के पीछे। नाउ ये चीजें पता करने के बाद अब हमारा जो मेन अगला टॉपिक होता है वो ये होता है कि हम अब ये बात करें कि पोस्टर्स बना लेंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए पोस्टर पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो नाउ ऐसा क्योंकि पोस्टर बनाने के दौरान मेन चीजें क्या क्या होती है, तो देखिए मान लेते हैं ये हमारे पोस्टर है, किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकता है, वो टॉपिक्स नेम भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, उनमें से कुछ टॉपिक हम क्लास में डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है पोस्टर बनाने के अंदर, क्रिएटिव होना चाहिए तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग चीज है, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को प्ले एंड पॉज करके मैं उस मोड में पढ़ाऊंगा, तो वो आपकी सुविधा के अनुसार कर दिया जाएगा ताकि आपका समय भी बेकार ना हो। चलिए पोस्टर्स की बात करते हैं, तो पोस्टर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए दोस्तों पोस्टर के अंदर सबसे पहले तो एक बढ़िया सी डिजाइन फुल बहुत ही अच्छी डिजाइन के अंदर क्या होनी चाहिए, उसकी हेडिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा आप जब गली से गुजरते हो, आप सब सड़क से गुजरते हो तो कई सारे स्कूल कोचिंग्स डिफेंस और कई सारे ऐसे ट्यूशन पॉइंट्स होते हैं जिनके क्या या तो बैनर या पैम्पलेट्स दीवार पर चिपके होते हैं, हवा में लटके हुए होते हैं, इस तरीके से बांधे हुए होते हैं किसी रस्सी वगैरह की मदद से। तो आपने देखा होगा कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उस कंपनी का, उस होटल का, उस दुकान का नाम जो है वो काफी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। ये जो पोस्टर है वो भी उसकी जो हेडिंग है वो भी कुछ इसी तरीके से, हमारी हेडिंग स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और बाकी अन्य टॉपिक या मैटर से थोड़ा सा बड़े साइज में होनी चाहिए ताकि किसी का भी ध्यान हो और जल्दी आकर्षित हो। हेडिंग के बाद हमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मान लीजिए कोई अच्छा टॉपिक है तो हम उसके क्या दिखा सकते हैं, एडवांटेजेस, वो हम पॉइंटों के रूप में बना के लिख सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, मगर नो नीड टू राइट सो मच सेंटेंसेस अबाउट इट, यानी बहुत सारे वाक्यों को नहीं लिखना है, अच्छा नहीं लगता, एक से दो वाक्य आप लिख सकते हो, बाकी जितना हो सके उतना शॉर्ट के अंदर लिखने का ट्राई करना चाहिए। एडवांटेजेस के बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो जो बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है, लाइक अगर हम स्मोकिंग के अगेंस्ट बना रहे हैं कि लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ये क्या है, अच्छे इशू तो है नहीं, ये तो बुरी चीजें हैं समाज में, ऐसी बुरी कह सकते हो एक प्रचलन है जिसको हमें एक प्रकार से बैन करना चाहिए, तो वहां आप उसके एडवांटेज दिखाओगे या डिसएडवांटेज। तो सीधी सी बात है अगर कोई खराब चीज है बुरी चीज है तो निश्चित सी बात है हम उसके क्या दिखाएंगे, डिसएडवांटेजेस। मान लीजिए आपको सेव ट्रीज पेड़ों के बारे में बताओ तो पेड़ों के क्या बताओगे, फायदे ही बताओगे ना, स्मोकिंग के बताओगे तो क्या बताओगे, डिसएडवांटेज बताओगे। तो कई चीजें ऐसी होती है जिनके प्लस और माइनस दोनों दिखा सकते हो कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ साथ हम अगर कोई स्लोगन लिखना चाहें, स्लोगन का अर्थ होता है नारा, जैसे हिंदी में कहते हैं ना जल है तो कल है, इफ देयर इज वाटर देयर इज टुमारो, इट मींस जल है तो कल है, सेव वाटर सेव लाइफ, जल बचाओ जीवन बचाओ, सेव गर्ल सेव वर्ल्ड, गर्ल्स को बचाओ इस दुनिया को बचाओ क्योंकि देयर इज नो ही विदाउट शी, बिना माओं के बिना माताओं के मदर्स के ही की उत्पत्ति होना भी पॉसिबल नहीं। तो ऐसे कई सारे स्लोगन होते हैं, तो हम दो से तीन या एक से दो हमारी आवश्यकता अनुसार हम स्लोगन इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई एडवाइस देना चाहो लोगों को, एडवाइस ADVICE, दोस्तों देखिए एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, यहां समझा देता हूं, ADVICE और ADVISE आप लोगों ने देखा होगा हम ज्यादातर ये चीज देखते हैं क्योंकि एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना, जबकि इस एडवाइस का अर्थ होता है केवल सलाह, ये एक नाउन है, जैसे कि उसने उसकी सलाह बहुत अच्छी थी, हिज एडवाइस
was very good या very nice. His advice, उसकी सलाह was, तो was से पहले तो subject के रूप में आ रही तो noun हो गई, या उसने मुझे सलाह दी तो he advised me, तब आप उसे verb के रूप में काम में ले रहे हो. Verb के रूप में जब काम में लो तो spelling कौन सी रहेगी, advise. तो related to the topic, if you want to advise, supply some advice here, want to give some advice here, then there is welcome for you. It means आप लोग यहाँ पर use कर सकते हो. Fourth and last one is diagram related to the topic. आपके इस poster के अंदर ही एक अच्छा सा सुंदर सा बढ़िया सा diagram भी होना चाहिए. वो diagram किससे related होगा, topic से related होगा. For example, if you are making a poster about saving trees, then there must be some diagrams of trees or related to trees. अगर आपको कोई poster है इसका पेड़ बचाने के संबंध में, या एग्जांपल दूसरा चेंज करते हैं, इफ यू हैव एन एग्जांपल ऑफ सम लाइक सेविंग गर्ल चाइल्ड के बारे में, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या आप बना रहे हो, तो कन्या भ्रूण हत्या से रिलेटेड ही टॉपिक होना चाहिए. और फिर वहां अगर आप कोई पेड़ वगैरह बना देते हो, दैट्स रॉन्ग. आई थिंक दैट विल नॉट बी सूटेबल, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा. तो डायग्राम्स मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक. सो जिन जिन टॉपिक्स का हम पढ़ेंगे वहां आपको मैं दिखाऊंगा कि हेडिंग से रिलेटेड ही मैंने डायग्राम्स बनाए हैं. तो आई थिंक आप लोगों को ये चार बातें समझ में आ रही होंगी, ये चारों बातें, ये चार हमारे मेन पॉइंट हैं. नाउ द टॉपिक कम्स, इफ देयर इज सम डेफिनेट सीक्वेंस और नॉट, कि क्या इनका निश्चित यही क्रम रहता है या इसको आगे पीछे चेंज कर सकते हो. अच्छा, लास्ट में छोटा सा बात और बता देता हूं. हम यहां पर लिखते हैं दोस्तों इश्यूड बाय, मतलब किस व्यक्ति या किस संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति या किसी संस्था, स्कूल, कंपनी, कोचिंग, कुछ भी हो सकता है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इस तरह किसके द्वारा इसे इश्यू किया गया, वो हम लास्ट में लिखते हैं. आई थिंक क्लियर है. प्रेषक या विनीत, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ब्लड डोनेशन का कैंप आता है तो बहुत सारे पैम्फलेट्स अखबारों में आती रहती है, दीवारों पर लगी होती है, और वहां पर नीचे लिखा होता है विनीत, मतलब विनती करने वाले, आपसे इस बारे में रिक्वेस्ट करने वाले ये लोग हैं. व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, उसका नाम लिखा जाता है, व्यक्ति संस्था का नाम. ना अब बात करते हैं कि क्या इनका निश्चित कोई सीक्वेंस होता है या इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं. तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ये जो चीज है वो हमारी फर्स्ट नंबर पर रहनी चाहिए और ये चीज जो है हमारी लास्ट नंबर पर रहनी चाहिए. अदरवाइज देयर इजंट एनी प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इट. आप चाहो तो डायग्राम पहले बना सकते हो, एडवांस में डिसीजन बीच में रख सकते हो, एडवाइस पहले रख सकते हो, स्लोगन पहले रख सकते हो, यानी कि इन चीजों का कोई भी क्रम निश्चित नहीं है. अच्छा, कहां बनाए, ये बाउंड्री वॉल आपको जो दिखाई दे रही है उसके अंदर कहीं भी बनाओ काम चलेगा, बात खत्म. ये नहीं कि सर डायग्राम यही होना चाहिए, डायग्राम यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, बीच में हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, बट नॉट बिलो द टॉपिक इश्यू बाय, इसके नीचे नहीं होना चाहिए. इश्यू बाय मे बी द लास्ट पॉइंट. सो ये जो चीजें हैं वो हमारे पोस्टर्स के अंदर होती है. ये चीजें हम क्यों बना रहे हैं, अभी मैंने कहा था द मेन मोटिव ऑफ ड्रॉइंग पोस्टर इज टू एनकरेज एंड टू इंस्पायर द पीपल फॉर सम सोशल कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस, हाँ सामाजिक या पर्यावरणीय हो सकते हैं. पर्यावरण का जैसे कि सेविंग वाटर वाला हो गया, फीमेल फर्टिसाइड हो गया, अपना सोशल हो गया, एक सामाजिक, पॉलिथीन वाला भी एक एनवायरमेंटल इशू ही है अगर आप उसके लिए. तो ये जो टॉपिक आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो एक फॉर्मेट सा दिखाई दे रहा है वो फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए. फर्स्ट नंबर पे हेडिंग रहेगी, सेकंड नंबर पे इशू बाय रहेगा, मींस लास्ट नंबर पे. बाकी जो बीच का जो है ये चारों पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो. यहाँ पर हम हर साल स्कूल के अंदर बोर्ड पर बना के बताते हैं पोस्टर्स कैसे होते हैं. फिर अभी मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ कि पोस्टर्स कैसे बनाए जाते हैं. मैं कुछ एग्जाम्पल भी बना के दूंगा आपको, पर बनाते समय लग जाता है, इसलिए प्ले एंड क्लोज करके ही ये काम किया जाएगा. तो आई थिंक आपका भी टाइम खराब नहीं होगा. तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए. इज इट क्लियर? आई थिंक इतना तो क्लियर हो ही चुका होगा कि पोस्टर्स जो हैं वो हमें किस तरीके से बनाने हैं, क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं, टू एनकरेज और टू इंस्पायर, क्या क्या होता है पोस्टर के अंदर, ये चीजें होती है हेडिंग ऊपर, इशू बाय नीचे, बाकी जो चीजें हैं उनका कोई क्रम निश्चित नहीं है.
कोई भी चीज में दिक्कत आ रही है दोस्तों तो पीछे रिमाइंड करके देख लें, या मैंने आपको कहा था कोई किसी भी प्रकार से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ, और अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि कौन कौन से पोस्टर्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, वो मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। वैसे तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं, इनका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एक पार्ट है कंपोजिशन, तो कंपोजिशन के अंदर कोई लिमिट नहीं होगी, लिमिटलेस है एक प्रकार से। पर वो टॉपिक्स जो अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर घूम फिरा के आते रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, यहां मैंने लिखा मेन टॉपिक्स, मुख्य वो विषय बिंदु जिनके बारे में हमें पोस्टर्स बनाने को दिए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। आपने देखा होगा सिंस 2013 से जब से ये सिलेबस में लगा है, 12-13 का वो सेशन था, 2012-13 का जब से ये पोस्टर वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में लगा था, तब से लेकर आज तक काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है पोस्टर का। हालांकि इसके अथवा में हम एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिप्लाई आदि टॉपिक दिए हुए होते हैं, बट फिर भी हम इसमें चर्चा जरूर करते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, छोड़ा नहीं जा सकता। पोस्टर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेव वाटर, पानी बचाने से संबंधित हो। सेव वाटर के अंदर आप काफी चीजें लिख सकते हो कि जल किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से एक थ्रेड समस्या है अगर जल खत्म हो जाएगा, जल संबंधित चीजों को किस तरह, जल संबंधित टॉपिक्स को कह सकते हो कि किस प्रकार जल को बचाया जा सकता है, वो चीजें हम बता सकते हैं, कहाँ कहाँ हम वेस्ट कर रहे हैं वो बताया जा सकता है, और कोई अच्छा सा डायग्राम भी दिया जा सकता है, बनाया जाएगा आप लोगों के सामने जो कि अवेलेबल रहेगा हमारे वीडियो में। सेकेंड नंबर हम बात करेंगे सेव ट्रीज, पेड़ों के बारे में। पर्यावरण की समस्या बहुत ज्यादा होती जा रही है, आपने देखा होगा दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है और घरों बनाने के लिए लोग जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन यानी कि उन्मूलन हो रहा है, वृक्षारोपण हो नहीं रहा, उन्मूलन खत्म हो रहे हैं, तो सेव ट्रीज पर भी हमारा एक पोस्टर होगा। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा आजकल पेट्रोल डीजल काफी ज्यादा मात्रा में खराब किया जा रहा है, लोग अनावश्यक रूप से गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग अनावश्यक रूप से गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ आवश्यक भी होती है कुछ अनावश्यक भी होते हैं, बेवजह घूमते रहते हैं, फ्यूल को खराब कर रहे हैं। सेव फ्यूल, फ्यूल का अर्थ है जीवाश्म ईंधन, जीवों के अश्म से बना ईंधन, इट मीन्स लाखों करोड़ों साल पहले वो जीव जंतु पृथ्वी की प्लेटों के नीचे दब गए, उनको जो वेस्टेज मटेरियल या कह सकते हो उनकी क्रश हो जाने से वो एक फ्यूल बना, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उसको भी उसके लिए भी आप लोगों को एनकरेज कर सकते हो। हालांकि आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा सरकार भी हमें कई बार, हालांकि हमारा जो यहाँ पर मीडियम है वो एक रिटन फॉर्मेट का है, मगर सरकार कई बार वीडियो एंड ऑडियो माध्यमों से हम लोगों को एनकरेज करती है कई टॉपिक्स के लिए। आपने देखा होगा ना पानी वगैरह के लिए, अभी जैसे गर्मी आ गई तो पानी वगैरह के लिए कई सारे ऐसे छोटे मोटे कह सकते हो एक वीडियो क्लिप्स होती है जो 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक की होती है, और लास्ट में जिसके कहा जाता है भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ये क्या है, दैट्स आल्सो पोस्टर्स, बट उनका जो फॉर्मेट है वो ऑडियो वीडियो विजुअल बेसिस है, मींस उनका जो माध्यम है वो श्रव्य एंड दृश्य, ऑडियो एंड वीडियो माध्यम होता है, टीवी के ऊपर दिखाए जाते हैं। हमारा जो ये टॉपिक हुआ वो एक रिटन फॉर्मेट के अंदर लिखा गया टॉपिक, चीज वही है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है हमारे मीडियम के अंदर, बाकी चीज वही। वो जब कहते हैं ना भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी, कृषि विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी, तो ये जो टॉपिक है वो उसका मतलब इशूड बाई ही है, प्रकार से किसके द्वारा उसे इशू किया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपने देखा होगा सेव फ्यूल के बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक होगा हम कह सकते हैं सेव गर्ल चाइल्ड, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, हाँ उससे हम कह सकते हैं स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड, स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड, हम उन टॉपिक्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे जो टॉपिक हम क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। फिफ्थ जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट, देखिए दोस्तों जब मैं इन पोस्टर्स को बनाऊंगा तो क्रम पर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर बनाएंगे सारे जितने भी दिए, आप पॉलीथिन के लिए स्टॉप यूजिंग पॉलीथिन और पॉलीवैक्स, पॉलीथिन्स का इस्तेमाल करना बंद करें, पॉलीबैग्स का इस्तेमाल करना बंद करें, यह हमारा टॉपिक हो सकता है। इसके अलावा और बात करते हैं
सिक्स नंबर क्यों हुआ? चाइल्ड लेबर, आपने सुना होगा ना, स्टॉप चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो सकता है बाल श्रम, बाल मजदूरी, क्योंकि बच्चों को भी उनको चाइल्डहुड का अधिकार है, उनके खेलने का अधिकार है, उनके बचपन को जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है उन्हें, तो उनका जो बचपन है वो शुड नॉट बी वेस्टेड, दे मस्ट गिवन अ प्रॉपर, कह सकते हो नरिशमेंट, उनको भी प्रॉपर नरिशमेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम जब बढ़ेंगे आगे की तरफ, हम किसी फेयर के बारे में भी पोस्टर बनाएंगे, बताएंगे आपको क्या होता है। एक सबसे ज्वलंत इशू है हमारा पोल्यूशन वाला, प्रदूषण, आपने देखा होगा, हाँ, चारों प्रकार के प्रदूषण हमारे सामने समस्या है, एयर, लैंड, वाटर एंड, कौन सा है और कौन सा है प्रदूषण? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और हो गया तीनों, कोई दिक्कत नहीं है, बताना अगर चौथा भी प्रदूषण हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुख्य रूप से हमारे सामने तीन हैं, जहां हम खड़े हैं वो हमारा पर्यावरण हो गया, एयर हो गया और हमारा पानी हो गया, तीनों ही प्रकार के प्रदूषण देखने को मिल रहे हैं। हाँ, एक सबसे बड़ा जो इश्यू है जिसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो भी एक भयंकर समस्या बनता जा रहा है, दैट इज नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। काफी सारा शोर शराबा है गांव के अंदर, देखें आप स्टिलनेस, इतनी शांति रहती है, शहरों में जबकि बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका होता है, जहाँ काफी ज्यादा गाड़ियां वगैरह चलती है तो काफी दिक्कत होती है। नॉइस पॉल्यूशन, कानों पर प्रेशर बढ़ता है हमारे, आपने देखा होगा गांव के अंदर 2-4 किलोमीटर पर अगर कोई गाड़ी होती है तो उसका हॉर्न भी आराम से सुनाई देता है, और यहाँ पर ऐसा है कि घर के बाहर कोई चिल्ला रहा हो तो पता ही नहीं चलता है, टीवी वगैरह चल रही होती है, घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, इन चीजों की आवाज आती रहती है। ये जो हमारे जो आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं 8 टॉपिक, ये हमारे कुछ प्रमुख टॉपिक्स में से है, हालांकि इनके अलावा भी कुछ टॉपिक शेष हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पर ये जो हमारी क्लास है वो है इंट्रोडक्शन अबाउट पोस्टर्स, इज इट क्लियर? तो चलिए दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों के सामने, इसके साथ साथ 2-3 टॉपिक और बनाऊंगा मैं, अभी फिलहाल आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने एक पोस्टर बना देता हूँ। तो पोस्टर किस प्रकार का होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने एक पोस्टर ड्रॉ किया है, ये जो पोस्टर है वो टॉपिक रिलेटेड है सेव ट्रीज पर। देखिए, इस तरह का एक पोस्टर होता है हमारा, मैंने सबसे पहले हेडिंग इस्तेमाल की है सेव ट्रीज, उसके बाद में मैंने एक छोटा सा स्लोगन लिखा कि सेव ट्रीज सेव एनवायरनमेंट, यानी कि पेड़ बचाएंगे तो क्या बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा। ट्रीज गिव, पेड़ पौधे हमें देते हैं, क्या क्या देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पेड़ पौधों से हमें मिलती है, कुछ चीजों के मैंने यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में नाम लिखे हैं, जैसे कि टिम्बर, इमारती लकड़ी कहते हैं, फर्नीचर के लिए जो कि वैक्स, मोम है, मेडिसिन एंड हर्ब्स कह सकते हो, औषधियां, दवाइयां जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, लाख या चूड़ियां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है गम, आपके गोंद हो गए, पेपर, कागज, शेल्टर, आश्रय या शरण, कई लोगों को पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे जानवरों को, इंसानों को आश्रय शरण देते हैं, हम धूप में नहीं जा रहे, छाया मिलती है, फ्रूट्स, फूड, भोजन है, फ्रूट्स, फल है, फ्यूल वुड, ये ईंधन जलाने की लकड़ी, जो आपने देखा होगा जो हम लकड़ियां लाते हैं जंगल से, सूखी लकड़ियां जलाने के लिए, फ्यूल वुड। ये मैंने क्या लिखा, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या एडवांटेज है, ये लिखा मैंने एक स्लोगन, फिर से एक स्लोगन या एक सेंटेंस के रूप में एडवाइस कह सकते हो कि प्लांट, यहाँ प्लांट का अर्थ लगाना, लगाएं, क्या लगाएं, मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, टुडेज प्लांट, आज का एक पौधा जो होगा टुमारो ट्री, कल का क्या होगा, पेड़ होगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, एक पेड़ को काटते हुए दिखाया गया, और ये पेड़ जो है वो काफी ज्यादा सैड है, काफी ज्यादा उदास है, इसे काटा जा रहा है। अब इस चीज को क्या करना है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इस पर क्या कर देंगे, क्रॉस का साइन, मैं इसे काट नहीं रहा हूँ, इस पर क्रॉस का साइन हमें बनाया कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ ऐसा चीज है कि पेड़, मान लो पेड़ पौधे से लगाने से संबंधित हो, तो उस पर यस का निशान बनाया जा सकता है, यस वी शुड डू इट, और इस तरह का है तो हमें इसे डिस्करेज करना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, मैंने छोटे छोटे 3 बॉक्सेस बनाकर डिजाइन दिए, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव एनवायरनमेंट, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और लास्ट में दिखाया कि इश्यूड बाय, किसके द्वारा जारी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा जारी, में
जारी। तो दैट्स अबाउट टॉपिक अबाउट सेविंग ट्रीज। पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित ये आपका एक छोटा सा क्या हो गया, पोस्टर हो गया। हाँ एक चीज बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर मैं ये सेव ट्री सेव एनवायरमेंट वाली लाइन यहाँ लिख दूं और ये जो तीनों डब्बे हैं वो उठाकर यहाँ रख दूं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने आपसे कहा था हमारी हेडिंग एक नंबर में होनी चाहिए, इशूड बाय सबसे लास्ट में होना चाहिए जो कि दिया हुआ है, बाकी किसी भी चीज का कोई क्रम निश्चित नहीं है। हाँ सर, ये पेड़ आपने यहाँ बनाया, क्या मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ? यस यू मे ड्रॉ इट। इज इट क्लियर? सो दैट्स अ पोस्टर ऑन सेविंग ट्रीज। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और भी इसको आप पोस्ट करके आराम से इसे कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, आराम से इसे ड्रॉ करें, डिजाइन जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, इसमें कोई इशू या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी प्रकार के डिजाइन। मगर किसी प्रकार का कोई डायग्राम वगैरह बना रहे हो तो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये था हमारा एक पोस्टर, मिलेंगे आपसे कल कुछ और पोस्टर्स लेकर। कोशिश करूंगा कि कल की वीडियो में 3 से 4 पोस्टर्स बना दूं, क्योंकि इसमें बनाने में कम से कम ज्यादा नहीं तो भी 10 मिनट लग जाते हैं। तो मिलते हैं कल, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।